नमस्ते। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सोप ऑन वाटर सरफेस, यानी पानी की सतह पर साबुन का असर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबुन, फिर हमें चाहिए काली मिर्च यानी पेपर, फिर पानी यानी वाटर, और थाली यानी प्लेट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप वन, पोर वाटर इन द प्लेट, यानी थाली में पानी डालिए। अब अगला स्टेप, स्प्रिंकल पेपर ऑन द वाटर, यानी पानी पर काली मिर्च छिड़किए। अब अगला स्टेप, टेक सम सोप ऑन योर फिंगर, यानी अपनी उंगली पे थोड़ा साबुन लीजिए। अब चौथा और आखिरी स्टेप, डिप योर फिंगर इनटू द वॉटर, यानी अपनी उंगली को पानी में डालिए। तो मजा आया आपको देखकर। तो चलिए अब हर वीडियो की तरह हम वापस समझने की कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको सरफेस टेंशन को समझना होगा, जिसकी थोड़ी जानकारी मैं अभी दूंगा और उसे आप ज्यादा गहराई में अपनी कॉलेज में सीखेंगे। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ अणु ए पानी के अंदर है और उसपे आसपास के अणुओं हर दिशा में बल लगा रहे हैं और इसीलिए उस पे कुल बल शून्य है। अब ये अणु सी जो है वो पानी की सतह पे है, तो इस पे आसपास के अणु अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं और बाहर की तरफ बल लगाने के लिए कोई अणु ही नहीं है, तो इसीलिए इस अणु सी पे कुल बल अंदर की तरफ लगता है। वैसे ही हर एक अणु जो पानी की सतह पे है उस पे कुल बल अंदर की तरफ लगता है और इसीलिए पानी की सतह सिकुड़ जाती है। तो आपने कभी देखा होगा कि पत्ते पे जो बूंद होती है उसका आकार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि पानी की सतह सिकुड़ जाती है और इस सिकुड़ने की वजह से पानी की सतह पे एक बल होता है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अब इस चित्र को देखिए। किसी भी वस्तु को जब हम पानी की सतह पे रखते हैं तो उसका खुद का वजन उसे नीचे ढकेलने की कोशिश करता है और सरफेस टेंशन का बल इस वजन को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जब भी वजन सरफेस टेंशन के फोर्स से बैलेंस हो जाता है तभी वो चीज पानी पे तैरती है। तो इसीलिए हमने देखा था कि काली मिर्च पानी पे तैर रही थी डूबने गई, वैसे ही यहाँ पे यूकलिप भी पानी पे तैर रही है डूब नहीं गई। तो अब हम देखेंगे कि साबुन डालने से क्या हुआ। जब हम साबुन डालते हैं तो पानी की सतह पे जो सरफेस टेंशन का बल होता है उसका परिमाण कम हो जाता है। तो आप ये चित्र देखिए, यहाँ पे दो लोग इस रस्सी को खींच रहे हैं। अगर मैं अचानक से रस्सी को यहाँ से काट दूँ तो दोनों गिर जाएंगे। ठीक वैसा ही कुछ होता है यहाँ पे भी। जब मैं साबुन डालता हूँ बीच में तो सरफेस टेंशन का बल काफी कम हो जाता है, तो इसीलिए पानी के अणुओं को किनारे की तरफ धकेल दिया जाता है और पानी के अणुओं के साथ ही काली मिर्च के अणु भी किनारे की तरफ धकेल दिए जाते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि काली मिर्च किनारे की तरफ चली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको मजा आया होगा और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ।